हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं सो करके उठ चुकी हूँ अभी, और भाभी खाना का तैयारी कर रही है। आलू फूलगोभी का सब्जी, भिंडी का भुंजिया। मदद करो भाभी का करके, बैठा हुआ है बस। क्या बोलेगा सब कोई? अच्छा लग रहा है लेकिन सही में। मैं इसको कल से नहीं खाया, कोई आए नहीं बस। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, बट बहुत लोग हैं यहाँ पर ना, इसलिए स्लेट पेंसिल वगैरह खा नहीं पा रही हूँ। यार सबके सामने कैसे खाऊँ, अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट फिर भी छुप छुप करके मैं खा ही ली भाई। क्रेविंग है, क्रेविंग थोड़ी मिटती है किसी के आने या जाने से। और ये है मेरी भाभी की दीदी की बेटी, इसके ही घर पर हम लोग रुके हुए हैं। ये रहा मेरा खाना। इतना टेस्टी खाना खाने के बाद मुझे फिर से क्रेविंग हो रही थी। एक बात बताऊँ, वहाँ क्रेविंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी सरोजनी मार्केट, और बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। गाइस ये है दिल्ली, मतलब क्या ही बोले अब। यहाँ से कितना दूर है मेट्रो? उसके बाद जब वो तैयार हो गया उसके बाद उसको रहना नहीं करना। गाइस पानी पर पानी हो गया है पूरा जमा, अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे जाएं। चलिए चलिए डूबते डूबते इधर से जाओ, इधर से, उधर से मत जाइए कैसे। भैया तुम ना एक एक को करके कौन है फोन में कौन है? राइट नाउ वी आर इन तिलक नगर, और लाइन तो अच्छा खासा है। ये जो आंटी है, ये है भाभी की मम्मी, और ये अभी खोने वाली है क्योंकि मेट्रो में हम लोग तो बैठ गए, पर ये गलती से छूट गई थी, मेट्रो में बैठ ही नहीं पाई। अभी तो बैठ गई थी बट एक जगह ये छूट गई थी। गाइस एक रोल हो गया है, हम लोग ना मेट्रो पे चढ़ ही रहे थे, तो जैसे ही हम लोग एंटर किए और वो बंद हो गया, मतलब मुझे लगता है कि जितना देर तक मेट्रो को रुकना चाहिए वो रुका भी नहीं, इसलिए आंटी पीछे ही छूट गई, और अब भैया लाने के लिए गए हैं। तो फिर मेरे भैया अगले ही स्टेशन पे उतर करके आंटी को वापस ले करके आए, और फिर हम लोग सबको एक साथ गए। ये देखो, ये है प्यारी सी बाबू जिसका कल बर्थडे है। और अब हम आ गए हैं हमारा सरोजनी। चलो चलते हैं उसे। मैं आई थिंक मैं एक साल तो नहीं हुआ, 7-8 महीने के बाद आ रहा हूँ। पता है मैं सच बता रही हूँ, अब सरोजनी मार्केट पता नहीं, शायद मैं बरसात में आई थी इसलिए मुझे कपड़ा का कलेक्शन तो दिखा ही नहीं। पिछली बार आई थी ना तो मतलब नज़र ही नहीं हट रहा था, सरोजनी मार्केट के जो क्लॉथ कलेक्शन थे ना, नज़र ही नहीं हट रहा था। अब तो मिल ही नहीं रहा था ना, बच्चों का इसी का ड्रेस लेना था ना, इसका मिल रहा था ना, मेरा मिल रहा था। ये देखो कुर्तीज़ वगैरह, मुझे अच्छा पसंद नहीं आया। मतलब लाइक होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, मेरे को भी ऐसा फर्स्ट साइट में कुछ पसंद आया ना तभी मैं लेती हूँ। तो मैं भैया के लिए, मतलब भैया अपने लिए कुछ लिए थे, और फिर मैं भी कुछ ना कुछ ले ही रही थी यार। अब इतनी दूर आई थी तो जा नहीं सकती थी खाली हाथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया भुट्टा, जो कि बॉइल्ड भुट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और रक्षाबंधन के लिए मैं ये देख रही थी कुछ ड्रेस, तो मुझे ये पसंद आया। मैं ये वाला स्कर्ट तो ले ली, इसको लहंगा मत समझना ठीक है, क्योंकि स्कर्ट लग रहा है वैसा, बट ये स्कर्ट है। और भाभी के लिए ये दोनों में से साड़ी में से कोई एक चूज़ करना था, आप बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगा था। और इतना सारा शॉपिंग करने के बाद हम गए ब्लाउज़ लेने के लिए, जो कि मैं स्कर्ट ली थी उसी का मैचिंग ब्लाउज़, बट मुझे मिला नहीं फिर से, क्योंकि मुझे इसी कलर का चाहिए था, इस कलर का नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ढूंढी सच में, मुझे ऐसा लगा था मिल जाएगा बट सरोजनी में भी नहीं मिला यार। उसके बाद मैं चली गई शू कलेक्शन के पास, तो ये शूज़ मुझे अच्छा लगा। ये ना 500 का है। और फिर मेरी भाभी को लेना था अपने लिए वन पीस। देखो ये जो वन पीस दिख रहा है ना, यही भाभी को पसंद आ रहा था।
और फिर हम लोगों ने खाया दिल्ली का फेमस गोलगप्पा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आई नो थोड़ा सा महंगा था, ये लाइक यार एक प्लेट 30 रुपये का, वहाँ पे 10 रुपये का मिलता है ना इसलिए, बट कोई बात नहीं, टेस्ट वाइज बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखो ये है राम लड्डू, दिखने में जितना ज्यादा टेम्पटिंग लगता है ना खाने में उतना ही ज्यादा बकवास और सूखा लगता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट भाभी को ट्राई करना था तो वो ले ली थी, और भाभी तो खाई नहीं तो मुझे ही खाना पड़ा था ये पूरा। हेलो भैया, कैसे खाते हैं लो, अच्छा ही नहीं लग रहा यार। हम लोगों का शॉपिंग हो चुका है, ये रहा आंटी ली हुई है, जल्दी जल्दी ले कोशिश करिए, ली हुई है और भैया भी लिए। फाइनली हम लोगों का शॉपिंग हो गया, सलोनी से जो खरीदना था खरीद ली और बहुत कुछ खरीदी हूँ मैं, सब कुछ दिखाऊंगी ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे घर, मैं तो इतना थक गई हूँ ना कि मत पूछो। और ये झिली मिली बलून बेबी के लिए ली थी यार, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ बट ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये देखो। ये आज का व्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय।